वो ड्रामा प्रेजेंट करना चाहते थे और उन्होंने ड्रामा प्रेजेंट किया है, बाकी जनता जनार्दन। तो लगातार जो सत्ता पक्ष के नेता है वो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उन्होंने बयान दिया था विदेशों में जाकर, जिसको लेकर लगातार बीजेपी अब कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। तो आपने सुना संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर माफी मांगने के लिए लगातार जो विपक्षी जो पक्ष सत्ता पक्ष के नेता है वो दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए रुख करते हैं अब यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां नवरात्र यानी देवी के पवित्र 9 दिन होते हैं। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के विधि विधान से पूजा की जाती है और साल भर में कुल 4 बार नवरात्र होते हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्र का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस बार बुधवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। वैसे तो माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन जब वो धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आएंगी और ज्योतिष के मुताबिक इस साल नवरात्रों में माता का आगमन नौका पर और प्रस्थान डोली पर होगा, जो कि अत्यंत शुभ योग होगा। तो नवरात्र को लेकर सभी जनपदों में तैयारियां शुरू हो चुकी है, बाजार गुलजार हो चुके हैं और मंदिर में भक्तों की भीड़ भी अब देखने को मिल रही है, क्योंकि बुधवार से नवरात्र की शुरुआत होगी। नवरात्र यानी ये पर्व 9 दिनों तक मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की इस नवरात्र में पूजा की जाएगी। वही इस बार माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आएंगी और डोली पर वो वापस जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा जाएंगे, जहां सीएम गोंडा समेत देवीपाटन मंडल के 4 जिलों के अफसरों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे और विकास योजना की हकीकत को भी परखते हुए वो नजर आएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर उसकी प्रगति का जायजा लेंगे, जबकि मुख्यमंत्री 2.5 घंटे तक जिले में रहेंगे और निरीक्षण और विकास योजनाओं की समीक्षा के बाद सीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर अब प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। तो आज गोंडा दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इस दौरान वो विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुजीब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजीब, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा दौरे पर आ रहे हैं, तकरीबन कितने बजे तक वो गोंडा पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम उनके गोंडा में निर्धारित है? मैं इस समय ग्राउंड पर खड़ा हूँ, जहाँ उनका उड़न खटोला 1:50 पर यहाँ पे उतरेगा। यहाँ से उतर करके सीधे विकास भवन में पहुंचेगा, वहाँ पे मंडलीय समीक्षा बैठक लगभग 2:00 से 3:30 तक वहाँ पे उनका प्रोग्राम रहेगा। बिल्कुल, मुझे अगर देखा जाए तो ये भी खबर है कि विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। जी, आपको बता दें कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करेंगे। जी मुझे, वो सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर भी जाएंगे, तो ऐसे में बलरामपुर में भी उनके क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? और कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो देवीपाटन मंडल में जो देवीपाटन मंदिर में मेला लगता है, वहां भी सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? जी, देवीपाटेश्वरी मंदिर का जो है तुलसीपुर, जी वहाँ पे रात्रि विश्राम वही पे करेंगे और जो कुछ भी है मंडलीय समीक्षा बैठक के जरिए पूरे जितने भी आला अधिकारी है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पे सबसे सबको संबोधित करेंगे। उसके बाद 15 मिनट जो है मीडिया को भी आज समय दिया गया है, उनसे भी मुलाकात होगी, ब्रीफिंग। उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की गई है? पुलिस किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है गोंडा में? जी, आपको दिखा सकते हैं कि मैं इस समय वही ग्राउंड पे खड़ा हूँ जहाँ पे इनका हेलीपैड बना हुआ है। यहाँ पे पुलिस की चारों तरफ से चाक चौबंद है और हर तरफ से जितने भी पुलिस व्यवस्था काफी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जी, धन्यवाद मुझे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो विकास कार्यों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही साथ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। वही देवीपाटन मंडल भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान तुलसीपुर के देवीपाटन में लगने वाले मेले का भी निरीक्षण करने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि हर नवरात्र के मौके पर देवीपाटन मंदिर में एक भव्य मेला लगता है, जिसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर ही अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी देते हैं। तो वही आज गोंडा दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक दिवसीय दौरा आज गोंडा में रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान विकास कार्यों का वो जायजा लेंगे, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, विकास कार्यों की रफ्तार को जांचेंगे, साथ ही साथ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वही सीएम योगी के दौरे को लेकर गोंडा की पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है। विकास कार्यों का जायजा भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आएंगे। तो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही कि गोंडा में किस तरीके से विकास हो रहा है, विकास की रफ्तार क्या है, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ एक बैठक के जरिए अधिकारियों से समझेंगे और खुद ही ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए नजर आएंगे। तो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। वहीं आपको बताते चले कि उनके दौरे को लेकर जो प्रशासन है उसने तैयारियां पूरी की है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और विकास कार्यों की गति को जानने के लिए विकास कार्यों की रफ्तार क्या है, गोंडा में किस तरीके से विकास हो रहा है, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करेंगे। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा दौरे पर जा रहे हैं, वहीं वो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे, और क्या कुछ अन्य कार्यक्रम उनके वहां पे है? जी विवेक, तो हमारे सहयोगी करेंगे, लेकिन आपको ये बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा दौरे पर जाएंगे। कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17 से 19 मार्च 2023 को संपन्न हुई और बैठक में 2024 में केंद्र से भाजपा का सफाया करने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही सपा ने राजनीति में अपनी भूमिका निभाने के लिए भी पहल कर दी है और सपा ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में जन जन गांव गांव तक समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का इरादा जताया है। सपा ने यह विश्वास जताया है कि इस बार छल प्रपंच नफरत और झूठ की राजनीति हारेगी और सत्यमेव जयते का ही जन उद्घोष होगा। तो सपा ने 2024 से पहले एक बेहद ही बड़ा आंदोलन करने की शुरुआत की है। ये आंदोलन कहे या इसको मुहिम कह सकते हैं, क्योंकि अब सपा के जो सभी कार्यकर्ता है, जो सभी नेता है, वो गांव गांव जनता के बीच जाएंगे, गांव में जाकर जन चौपाल लगाते हुए सपा के विधायक और दिग्गज नेता नजर आएंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ता और जनता से अपील करते हुए कहा है कि विपक्ष की जो भी भाजपा है उसका सफाया हो और इस बार 2024 में सत्यमेव जयते का ही उद्घोष होगा। तो गांव में की जाएगी जन चौपाल। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि अब समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव गांव पहुंचकर जनता के बीच पहुंचे, जन चौपाल लगाए, जिससे 2024 के चुनावों में भाजपा का सफाया हो सके और 2024 के चुनाव में सत्यमेव जयते का ही जन उद्घोष हो।
लखनऊ में यूपीएसजी वीबीएल की वार्षिक निकाय बैठक आज होगी। वहीं ये बैठक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी और इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। साथ ही सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी मौजूद रहेंगे। तो सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपीएसजी वीबीएल की आज वार्षिक निकाय बैठक होनी है और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस बैठक का आयोजन होना है। और बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी मौजूद रहेंगे। तो यूपीएसजी वीबीएल की आज वार्षिक निकाय बैठक होनी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। और बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। वहीं सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 26,346 बेड बढ़ाए जाएंगे, इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अधिकारियों को निर्देशित दिया है कि अस्पतालों में बेड बढ़ाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। इस दौरान आने वाली अड़चनों के संबंध में भी निदेशालय को रिपोर्ट भेजी गई है, ताकि समस्या का समाधान कराया जा सके। उन्होंने बढ़े हुए बेडों के अनुसार डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की जरूरतों पर अलग से रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया है। और प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों का विकास भी किया जा रहा है। तो लगातार यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य मंत्री तमाम जनपदों के दौरे करते हुए नजर आते हैं। जहां बीते दिनों वो आगरा में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करते नजर आए, तो इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में जो बेड्स की संख्या है वो बढ़ाई जाएंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि 26,346 बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स भी बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अस्पतालों में बेड्स में बढ़ोतरी होगी तो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी बढ़ाए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरह से डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं, ऐसे में उन्होंने एक नया निर्देश दिया है कि अब उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएंगी। देखिए मुस्कान, ये बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, साथ जो स्टाफ है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो डॉक्टर हो, सबकी संख्या जो बढ़ाई जानी चाहिए। अगर अभी भी बात करें तो डॉक्टरों की कमी जो है कई अस्पतालों में, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी जो है देखी गई है। उस हिसाब से देखा जा सकता है कि जब से ब्रजेश पाठक के साथ मंत्रालय संभाला है वो काफी जो एक्टिव रहे हैं, अवसर विस्तर कर रहे, हर जगह पहुंचते रहे थे। अभी कल आगरा गए थे, आगरा में जिला अस्पतालों का अवसर विस्तर किया था। तमाम परियोजनाएं जो है स्वास्थ्य संबंधित चीजों में वो जनता से रूबरू कराते रहते हैं, ताकि जनता जो है इसका लाभ ले सके। इसी सिलसिले में 36,000 से ज्यादा बेड जो है प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित किए जाएंगे। नर्सिंग स्टाफ सुरक्षित किया जाएगा, पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो रही है, वही जो डॉक्टर है जहाँ पे ऐसा देखा गया कि डॉक्टरों की तैनाती नहीं है या डॉक्टरों की कमी महसूस की गई, वहाँ पे जो है डॉक्टरों की भी तैनाती की जाएगी। तो एक बड़ा कदम है। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से डिप्टी सीएम द्वारा ये एक बड़ा कदम उठाया गया है, तो ऐसे में अब जो मरीजों के परेशानियां है वो किस हद तक कम हो जाएंगी? देखिए पहले तो बेड के आरक्षित होने के पास के जिन मरीजों को कतार में लगना पड़ता था या फिर उनको वहां से कहीं और शिफ्ट किया जा सकता, उन चीजों पे थोड़ी लगाम रहती है, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार उत्तर प्रदेश में ही पड़ रही है और ये कम होने वाले तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, इतने बेड से ही काम नहीं चलेगा, हमें बेडों की संख्या और बढ़ानी होगी, हमें अस्पतालों की संख्या और बढ़ानी होगी, और जो नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल डॉक्टर स्टाफ है उनकी संख्या लगातार बढ़ाई रहनी चाहिए, क्योंकि मरीजों की संख्या जो तादाद है उनमें अवसर जो है वृद्धि होती है। जिसके बाद लखनऊ की, तो लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में लोहिया के जो पीजीआई है उनके अलावा जो अस्पताल है वो लखनऊ के अलावा बाकी दूसरे शहरों से भी मरीज जो है वो लगातार आते रहते हैं जी। और लखनऊ जो है जो तमाम तरह की हब बनता भी दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो बिहार से भी मरीज यहाँ आते हैं, तो ऐसे में मरीजों की संख्या तक होने से रही
उसमें स्टाफ है जो पेड है जो संसाधन है उनकी जो है संख्या जो लगातार बढ़ाती रहे थे मंत्रालय। बिल्कुल विवेक, जैसा कि हमने देखा कि डिप्टी सीएम लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं, व्यवस्थाओं को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां से अस्पतालों की लचर व्यवस्था सामने आती है। इसको ठीक करने के लिए क्या कुछ कदम उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहाँ डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ ने तीमारदारों या मरीजों से बदतमीजी की है, तमाम तरीके की दुर्व्यवहार किए हैं, वहाँ पे डिप्टी सीएम ने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है और उसके बाद पीएमओ के लेवल की एक जांच कमेटी भी बैठा दी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद तत्काल कार्रवाई की है, हर मामले पर संज्ञान लिया है और हमेशा ही पीएमओ और चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है किसी भी मरीज और तीमारदार को कोई भी मेडिकल ऑफिसर जो होगा या डॉक्टर होगा या फिर मेडिकल स्टाफ होगा वो बदतमीजी नहीं करेगा, दुर्व्यवहार नहीं करेगा, तमाम ऐसे तरीके के निर्देश जो है वो पीएमओ चिकित्सा अधिकारी को दिए जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। कई बार उन्होंने मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी की है और बर्खास्त भी किया गया है लोगों को। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से डिप्टी सीएम द्वारा ये आदेश दिया गया है कि तकरीबन 26,346 बेड बढ़ाए जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जो बेड्स हैं वो किस जिले को मिलेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा बेड किस जिले को मिलेंगे ये अभी जो रिपोर्ट है तो ज्ञात नहीं है, या प्रदेश के सभी जिलों के लिए है, सभी जिला अस्पतालों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा बेड कहाँ मिलेंगे उसके बाद में अभी भी कोई जानकारी नहीं है। जहाँ जहाँ पे बेडों की संख्या समस्या होगी वहाँ पे वो सीटें जो है वो अवेलेबल कराएंगे, जहाँ पे संख्या कम होगी वहाँ पे ज्यादा बेड अवेलेबल कराएंगे, जहाँ पे बेडों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होगी वहाँ बेडों की संख्या कम रहेगी। जी धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। वहीं नई पेंशन योजना वापस लेने और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए आज प्रदर्शन होगा। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्रीय और राज्य कर्मचारी आज एकजुट होंगे, जहां आज जनपद मुख्यालयों पर बड़ा प्रदर्शन होगा। तो बताते चले कि सोमवार को हुई बैठक में व्यापक रणनीति तैयार की गई, प्रेरणा स्थल डीएम आवास के सामने प्रदर्शन होगा। वहीं इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अब लोग भी शामिल होंगे। तो आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जनपद मुख्यालयों पर भी एक बड़ा और अहम प्रदर्शन होना है। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए आज सभी राज्य और केंद्र कर्मचारी एकजुट होते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए बीते सोमवार को रणनीति तैयार की गई है कि आखिर किस तरीके से ये प्रदर्शन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक व्यापक प्रदर्शन होने की उम्मीद है, तो कौन कौन से विभाग के कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे? देखिए मुस्कान, जो है पुरानी पेंशन के जो बहाली की बात है 2000 की गई थी, नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी, इसके बाद से आज तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं और ये जो लोगों की मांग है वो काफी समय से है। हर बार जो है वो सरकार के लोग मांग करते हैं, बकायदा धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग रखते हैं कि जो पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसको बहाल किया जाए, नई पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया जाए। 2003-2004 के समय की बात है, जब एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय नई पेंशन स्कीम जो है वो लागू की गई थी और पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो है लोगों को हर महीने जो है वो कुछ रुपए जो है वो पेंशन के तौर पर मिलते थे जब रिटायर होने के बाद, लेकिन नई पेंशन स्कीम के तहत जो है वो हर महीने के रुपए को बंद करके इकट्ठे जो है कुछ रुपए उनको प्रोत्साहन के रूप में दे दिए जाते हैं। ऐसे में जो सरकारी विभाग के लोग हैं जो रिटायर हो रहे हैं 2004 के बाद, उनको नई पेंशन मिल चुकी है, जो 2004 के पहले की ज्वाइनिंग जो है उनको जो है वो पुरानी पेंशन की सुविधा अभी भी बहाल है। तो 2004 के बाद इन्होंने ज्वाइनिंग किया है, अब लगातार पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं, जगह जगह धरना दे रहा है, उसको राजधानी लखनऊ में भी नहीं, हर जगह पे सुबह में आने करने की जगहों पे जो है अपने स्तर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। विवेक, आखिर इस नई पेंशन को लेकर जो भी कर्मचारी है उनमें इतना ज्यादा विरोध क्यों देखने को मिल रहा है कि लगातार वो प्रदर्शन करते हैं, लगातार वो सरकार से मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाए?
इसी मिसाल मैंने पहले भी आपको बताया कि 2004 के पहले जिनकी जो है वो ज्वाली हुई थी वो पुरानी पेंशन प्रणाली के आधार है, 2004 के बाद जिनकी ज्वाली हुई थी नई पेंशन प्रणाली के आधार है। अगर दोनों पेंशन प्रणाली की बात करें तो 2004 के पहले वाली प्रणाली में रिटायर होने के बाद हर महीने सरकार आपके खाते में पेंशन विड्रॉ करती है, उस हिसाब से उस रिटायर आदमी के घर का खर्च चलता है। लेकिन नई पेंशन प्रणाली में सरकार जो है हर महीने आपको पेंशन विड्रॉ नहीं करती, हर महीने आपको पैसे नहीं मिलते हैं, एक मुश्त पैसे जो सरकार आपको एक बार में देती है। तो यही चीजें हैं और कुछ और भी चीजें हैं जो पुरानी पेंशन प्रणाली में बढ़िया है, नई पेंशन प्रणाली में चीजें वो ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, इस प्रदर्शन को लेकर रणनीति बीते सोमवार को तैयार हो चुकी है, तो किस तरीके से जो सभी कर्मचारी है वो प्रदर्शन करेंगे या फिर उनके प्रदर्शन के लिए क्या कुछ तैयारियां उनके द्वारा की गई है? देखिए पिछले दिनों चार बाग के पास प्रदर्शन किया गया था, जहाँ पे उन्होंने सांस्कृतिक प्रदर्शन किया था और सुरक्षा के बीच से वहाँ पे पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए थे। इन जो पेंशन की बहाली के लिए जो प्रदर्शन है प्रदर्शनकारियों का, ये बेहद शांतिपूर्ण रहने वाला है। इस प्रकार की बात की जाए तो किसी प्रकार की कोई सुविधा न हो, इसके लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था कर दी गई है, पुलिस कर्मियों को भी लगा। विवेक तकरीबन कितने कर्मचारियों के इस प्रदर्शन में आने की संभावना जताई जा रही है? देखिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो कर्मचारी इस प्रदर्शन में जुटने वाले हैं और ये एक व्यापक प्रदर्शन भी हो सकता है। इस प्रकार के प्रदेशव्यापी प्रदर्शन की मांग जो है वो लगातार जो है ये कर्मचारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कितना बड़ा ये प्रदर्शन होने वाला है, क्या इनके अनुसार ये प्रदेशव्यापी प्रदर्शन हो सकता है कि नहीं। सरकार से अपनी मांग कायम रखने के लिए बात है और आने वाले समय में निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव भी है। अभी हमने हड़ताल भी देखी दिल्ली कर्मचारियों की, उसके बाद सरकार ने उसको किसी प्रकार से मांग मनोजी होकर मना भी लिया और उसके बाद पेंशन कर्मचारी जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। देखना होगा कि कितना बड़ा प्रदर्शन होता है सरकार के कानून में कब तक जी रखी है। विवेक 2009 में जब इसमें संशोधन किया गया तो इस पेंशन योजना के तहत आम आदमी को भी सूची में शामिल कर लिया गया, सशस्त्र सैनिक बलों को छोड़कर, तो क्या इस प्रदर्शन में आम आदमी के भी जुटने की उम्मीद है? अभी बिल्कुल है, क्योंकि सशस्त्र सैनिक बलों को इस 2009 के संशोधन के लिए बाहर रखा गया, उनको अभी भी पुराने की बात जो है वो पेंशन मिलती है। उसके बाद कई चीजें हमने देखी है, वन नेशन वन पेंशन की चीजें भी हमने सुनी है, जो जवान है जो आर्मी के जवान है उनकी भी कई मांगें सुनी है, इस प्रकार की तमाम तरह की चीजें हैं। खैर 2009 के बाद उनको पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत ही अलग रखा गया था संशोधन के बाद भी, लेकिन जो नई पेंशन की स्कीम है जो आम कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है अलग अलग विभाग में कार्यरत है वो इस मांग को लेकर अपना प्रदर्शन करेंगे और लगातार वो काफी दिनों से काफी अर्सों से इस मांग को उठाते रहे हैं, काफी सालों से इस मांग को उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई भी खास असर नहीं लिया है। आश्वासन देकर ही लोगों को अब तक छोड़ा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन का इस प्रदर्शन का क्या असर पड़ता है, क्या सरकार दिल्ली कर्मचारियों की तरह इनकी बात सुनती है, इनसे बातचीत करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। विवेक जिस तरीके से अक्सर चुनाव के पहले हमने देखा है कि किसानों का आंदोलन देखने को मिला, तो अब यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली की बहाली को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, तो क्या इन प्रदर्शनकारियों को ये लग रहा है कि अगर वो चुनाव के पहले प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को रखेंगे तो सरकार उन मांगों को मान लेगी, यही वजह है कि प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है? देखिए अगर ऐसा होता तो लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले ये लोग प्रदर्शन करने पे बैठते, इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि इनकी मांग कई सालों से जायज है और जो संगठन है इनका संगठन है वो लगातार अपनी मांग कई बार से जो है वो जनता के सामने से लेकर मीडिया के सामने लेकर सरकार के समक्ष रखता ही रहा है और आज भी ये लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पर मजबूर है कि पुरानी पेंशन बाल स्कीम को लागू किया जाए और नई पेंशन बाल स्कीम को खत्म कर दिया जाए या फिर इसमें संशोधन करके जो सुधार होने हैं इसे सुधार किया जाए। अब ये चीजें लगातार होने वाली है, आम चुनाव का समय आने वाला है, 1 साल से भी कम का समय है, तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार इन लोगों को अपनी घोषणा पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या दूसरे विपक्ष की पार्टी की सरकार है अपनी घोषणा पत्र में इन नए पेंशन कर्मियों के लिए कोई न कोई स्कीम लेकर आए, लेकिन स्कीम लेने की बात नहीं, उसको सरकार आने के बाद इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, लेकिन अभी तक जो है लगातार ये कई सालों से अपनी मांग रखे हुए हैं और सरकार ने अभी तक इनकी मांगे को खास तरह से
भी नहीं है। विवेक, साल 2004 में नई पेंशन स्कीम लागू हुई और आज साल 2023 है, लगातार इन कई सालों में प्रदर्शन होता रहा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को खास तवज्जो नहीं दी या यूं कहे कि इनकी मांगों को कभी सुना ही नहीं, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ तर्क दिया गया है? देखिए, सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा तर्क इसको नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन नीति के तहत जो है वो जो अतिरिक्त बोझ सरकार के खजाने पर पड़ता था उससे जूझने के लिए, उसको हटाने के लिए नई पेंशन बहाली नीति अपनाई गई है, जिससे सरकार का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता है। और यही एक रियल इशू हो गया था कि सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ करने के नाते नई पेंशन नीति बनाई गई थी। 2004 में पेंशन नीति गई थी, उसमें वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एनडीए की सरकार थी। इस समय सभी दलों ने तकरीबन इसका स्वागत भी, कुछ दलों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन आज 19 साल हो गए हैं वो पेंशन प्रणाली बहाल हो चुकी है। उसके बाद यूपीए की भी सरकार थी, उसमें भी पेंशन प्रणाली पेंशन की नीति को नहीं बदला, और उसके बाद एनडीए की सरकार लगभग 10 सालों की, उसमें भी इस नीति को नहीं बदला। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है की सरकार चाहे किसी भी हो, नई पेंशन पर सभी सरकारों की नीति जो है एक जैसी लग रही है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए तो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली को लेकर आज प्रदर्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां बीते सोमवार को एक बैठक के जरिए इस प्रदर्शन को लेकर के एक पूरी रणनीति तैयार की गई, तो आज जनपद के सभी मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 2004 में ये न्यू पेंशन स्कीम भले ही लागू की गई थी, लेकिन इसका विरोध लगातार जारी है, लेकिन सरकार ने कभी भी इनकी मांगों को खास तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन की आग भड़कती है, लेकिन फिर उनकी ये प्रदर्शन ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के एक संबोधन में, जहां वो जनता को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य पद्धति को भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर